दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के रिसर्च का शेयर है यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिजल्ट आ चुके हैं। इस पे मैंने एक रिसर्च की है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। चलिए यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड पर चर्चा करते हैं। दोस्तों यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जयपुर की कंपनी है। इसके दो डिवीजन हैं, एक डोमेस्टिक डिवीजन है और एक इंटरनेशनल डिवीजन है। डोमेस्टिक डिवीजन में ये कैटल फीड बनाते हैं और कैटल न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं जो अच्छा खासा चलता है, और इंटरनेशनल डिवीजन में ये स्पाइसेस और फीड इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं जो यूएसए, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, जापान, पोलैंड, रोमानिया, स्पेन, टर्की, वियतनाम, चाइना, श्रीलंका, कुवैत, सर्बिया, मलेशिया, हांगकांग, मैक्सिको, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड आदि को जाता है। प्रोडक्ट के रेंज में स्पाइस के पाउडर्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, हर्ब्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, फीड इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे हल्दी से रिलेटेड आइटम्स हैं, उनके ऑयल्स हैं, जो भी स्पाइस के ऑयल्स हैं, जीरे से रिलेटेड, सौंफ से रिलेटेड, हल्दी से रिलेटेड, इनकी विदेशों में बहुत मांग है और ये उसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। इनका मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और एक्सपोर्ट अच्छा खासा चल रहा है इनका। दोस्तों कंपनी साल दर साल अच्छा कर रही है, रिवेन्यू बढ़ता जा रहा है। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इनका डोमेस्टिक डिवीजन में कैटल फीड और कैटल न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट पे भी बनाते हैं। तो दोस्तों इनके प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। दोस्तों 2020 पाँच सालों के रेवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करते हैं तो 2020 में रेवेन्यू 30 करोड़ था, प्रॉफिट जीरो था। 2021 पे रेवेन्यू बढ़ के 60 करोड़ हो गया, प्रॉफिट जीरो था। 2022 पे रेवेन्यू बढ़ के 95 करोड़ हो गया, रिवेन्यू जीरो था। 2023 में रिवेन्यू बढ़ के 181 करोड़ हो गया, प्रॉफिट 3 करोड़ था। 2024 में रिवेन्यू बढ़ के 201 करोड़ हो गया, प्रॉफिट 6 करोड़ था, लेकिन इसमें 2 करोड़ अदर बिजनेस से भी आए हुए हैं। ईपीएस हर साल बढ़ता चला गया मोर और लेस, बीच में एक साल कम भी रहा, लेकिन इस समय ईपीएस अर्निंग पर शेयर 10.65 है। डेप्ट इक्विटी जीरो है, कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त है। डेप्ट इक्विटी 0.06 है, इसका मतलब बहुत करीबी मामला है, कंपनी कर्ज मुक्त होने ही वाली है। तो दोस्तों पाँच साल के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस से ये समझ में आया कि रिवेन्यू तो हर साल बढ़ता चला गया, पाँच सालों में रिवेन्यू लगभग 6 गुना बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन आने वाले सालों में ऐसा लगता है कि कंपनी वेल स्टेब्लिश हो जाएगी और अच्छा खासा मार्केट पकड़ेगी इन प्रोडक्ट्स के लिए विदेशों में, जो कि अच्छे खासे डिमांड में हैं इनके प्रोडक्ट, और इस तरह के प्रोडक्ट डिमांड में हैं। दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जून क्वार्टर में 66 करोड़ का रिवेन्यू था, 2 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर क्वार्टर में 30 करोड़ का रिवेन्यू था, 1 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 23 के क्वार्टर में 69 करोड़ का रिवेन्यू था, 3 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 24 क्वार्टर में 35 करोड़ का रिवेन्यू था, प्रॉफिट जीरो था। मार्च 23 की बात करें तो 42 करोड़ का रिवेन्यू था और प्रॉफिट जीरो था। तो मार्च 23 क्वार्टर और मार्च 24 के क्वार्टर को कंपेयर करते हैं तो 23 का क्वार्टर बेटर था रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट तो जीरो था दोनों केस में। चलिए दोस्तों ऐसा लगता है कि मार्केट ग्रो कर रहा है, रिवेन्यू भी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट के फ्रंट पे और अच्छा करेगी कंपनी ऐसा लगता है, क्योंकि धीरे धीरे 0.00 जो उनका प्रॉफिट था उससे बढ़ के वो 3-4-6 ऐसे बढ़ता हुआ चला आ रहा है। दोस्तों FIs के शेयर नहीं हैं इस कंपनी में, DIs के शेयर जीरो हैं, पब्लिक के शेयर 65.36% है, प्रमोटर्स के शेयर 34.64 है, प्रमोटर के शेयर्स थोड़े कम है। डेट टू इक्विटी 0.06 है, रिजर्व और सरप्लस कंपनी में 17 करोड़ का है, कर्ज 1 करोड़ का है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये है, बुक वैल्यू 37 रुपये 82 पैसे है, 52 वीक लो
31 रुपये 70 पैसे है, 52 वीक हाई 149 रुपये 65 पैसे है। शेयर का प्राइस 21 जून 2024 को 89.05 पैसे थे। स्टॉक का पी 8.36 है, जबकि सेक्टर का पी 68.8 नहीं है, 8.9 है। बहुत नीचे के पी पे शेयर ट्रेड कर रहा है, बहुत ग्रो करने के चांसेस हैं इस शेयर के। दोस्तों जिनके पास ये शेयर है बने रहें, कोई एंटर करना चाहता है तो कुछ शेयर परचेस करके एंटर कर सकता है, अदरवाइज डिप होने पे करें। कुछ शेयर परचेस करके वेट करें डिप होने का, इसके बाद में फिर परचेस करें, या फिर इस लेवल पे भी परचेस किया जा सकता है, जैसा कि अगर किसी को इस तरह की कंपनी पसंद हो तो। दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, वीडियो देख के शेयर परचेज ना करें और न शेयर बेचें। आप अपनी रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछें, उनकी रिसर्च को भी समझें, इसके बाद ही शेयर खरीदें या बेचें। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन को तुरंत ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें, समझ सकें शेयर के बारे में। चलिए दोस्तों एक बार फिर आपसे ढेर सारा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।